वही बोरिंग यूआई, वही बोरिंग फीचर्स। माइनक्राफ्ट में नई नई चीजें तो ऐड होते ही रहते हैं, लेकिन इसका यूआई और फीचर्स वगैरह तो वैसा ही है सालों से। टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, इस वाले वीडियो में तुम्हें ऐसा यूआई क्लाइंट मिलने वाला है जिसमें लिटरली काफी सारे फीचर्स है। एंड या गाइस, एक और बात, 150 के होने ही वाला है, तो तुम लोग Q&A के लिए क्वेश्चंस पूछ सकते हो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो को लाइक भी जरूर करना। वेल गाइस, ऑप्टिफाइन मैंने लगा दिया एंड तुम देख सकते हो लैग वगैरह एकदम नहीं कर रहा है, अभी एकदम क्लियर है, अभी मैंने इसमें कुछ भी चीज ऑन नहीं। वेल गाइस, सबसे पहले तुम इसका अगर इन्वेंटरी देखो तो कुछ ऐसा रहने वाला है। इसमें तुम्हें क्विक क्राफ्टिंग का फीचर मिल जाएगा, बस एरो वाले बटन पे टैप करना, तो देख सकते हो एक ही बार में सब क्राफ्ट हो जाता है। इसके तुम लोग अगर सेटिंग्स में जाओगे तो तुम्हें क्विक सेटिंग का फीचर मिलेगा, उसमें बहुत सारे डिफरेंट सेटिंग्स तुम्हें मिलने वाले हैं। अभी गाइस, मोड मेन्यू ओपन करने के लिए तुम्हें गेम को पॉज कर लेना है। लेफ्ट साइड में तुम्हें एक बटन मिलेगा, उस पर टैप कर दोगे तो मोड्स लिखा हुआ आ जाएगा। वापस से पॉज करोगे तो उस पर टैप करना तो मोड मेन्यू ओपन हो जाएगा। तुम लोग देख ही सकते हो इसमें कितने सारे फीचर है एंड सारे फीचर यूजफुल है। जैसे देख ही सकते तो फर्स्ट में ये आर्मर एचओडी, उसको ऑन करोगे तो जो भी आर्मर पहने हुए रहोगे उसका यहाँ पर हेल्थ वगैरह एंड उसका लोगो भी दिखने लगेगा। इसमें मेन इन स्लॉट एंड ऑफेंस स्लॉट दोनों का फीचर है, जो भी अपने हाथ में रखोगे उसका लोगो यहाँ पर बन जाएगा। डीबग स्क्रीन का भी ऑप्शन मिलता है, सेम टू सेम जॉब एडिशन जैसे तो नहीं, लेकिन उसी से सिमिलर इसमें रहता है। गाइस, इसमें डायरेक्शन का भी एक फीचर रहता है, उसको अगर ऑन कर दोगे तो एकदम एक्यूरेट डायरेक्शन बताएगा। देख लो, जैसे सनराइज ईस्ट में होता है, ईस्ट डायरेक्शन बता रही है। ये चीज तुम्हें सर्वाइवल में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इसमें एक मॉब इंडिकेटर का फीचर रहता है, अगर उसको ऑन करोगे और अपना क्रॉस एयर मॉब के पास ले जाओगे तो वहाँ पर इंडिकेट करता है। इसमें एक फीचर रहता है स्पीडोमीटर का, जैसे यूटिलिटी मोड में रहता है हमारा स्पीड बताता है चलने का, सेम टू सेम इसमें भी वैसे ही बताता है। हॉटबार नंबर्स को अगर ऑन कर दोगे तो हॉटबार नंबर्स दिखने रहते हैं जैसे जावा एडिशन में रहता है। ये वाला क्लाइंट सर्वर्स के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। एलिमेंट्स में अगर जाओगे तो सर्वर्स के लिए सारे फीचर्स इसमें तुम्हें मिल जाएंगे। एंड लास्ट, इस मोड मेन्यू में तुम्हें बहुत सारे क्रॉस एयर चेंज करने का भी ऑप्शन मिलेगा। जैसे देख सकते हो मैंने यहाँ पर अमंगस वाला लगा लिया। बाकी अगर बाकी क्लाइंट्स के जैसे अगर इसमें तुम देखो तो इसमें कोई भी टूल्स वगैरह में चेंजेस नहीं करता है, ना ही कोई एनिमेशन हटाता है लैग कम करने के लिए। देख सकते हो तुम, और भी नॉर्मल है, मतलब अगर इसको लगा के तुम खेलो तो लगेगा ही नहीं कि कोई अलग से कोई चीज लगा के खेल रहे हो, एकदम नॉर्मल सा फील आएगा और बहुत ज्यादा लैग कम भी हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर मैंने बहुत सारे TNT इग्नाइट किए एंड देख सकते हो लैग भी एकदम नहीं हो रहा है। इसका UI अगर देखो तो कुछ ऐसा दिखेगा, सिंपल सा रहता है। वेल गाइस, इस क्लाइंट को यूज करने के लिए कुछ भी नहीं करना, बस ग्लोबल रिसोर्सेज में इसको लगा लेना, एक्सपेरिमेंट्स ऑन करने की जरूरत नहीं है एंड प्ले करना डायरेक्ट, बहुत ज्यादा अच्छा चलेगा। सो या आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड Q&A के लिए कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।